आयुष्मान खुराना से पहले अक्षय कुमार, ऋषि कपूर तक पर्दे पर गे बन चुके हैं ये दिग्गज एक्टर्स। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का ट्रेलर 20 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में आयुष्मान की समलैंगिक लव स्टोरी को दिखाया गया है। फिल्म में आयुष्मान गे बने हैं जो एक लड़के से बहुत प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके और उनके बॉयफ्रेंड के माँ बाप को इस बारे में पता चलता है, वो भड़क जाते हैं और महाभारत शुरू हो जाती है। ट्रेलर काफी एंटरटेनिंग है और लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। लोग आयुष्मान के लुक से लेकर उनके किरदार तक की काफी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आयुष्मान वो पहला एक्टर नहीं है जो पर्दे पर गे का किरदार निभाने जा रहे हैं। उनसे पहले अक्षय कुमार, ऋषि कपूर, मनोज वाजपेयी समेत कई दिग्गज एक्टर गे का किरदार निभा चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं उन एक्टर्स के बारे में जो पर्दे पर गे बन चुके हैं। अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम। 14 नवंबर 2008 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम की फिल्म दोस्ताना काफी चर्चा में रही थी। अभिषेक और जॉन इस फिल्म में गे बने थे। इस दौर में गे बनना दोनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण किरदार था, यही वजह है कि इसकी आज तक चर्चा होती है। ऋषि कपूर। साल 2012 में रिलीज हुई सिद्धार्थ आलिया और वरुण धवन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ऋषि कपूर ने गे का किरदार निभाया था। उस फिल्म में ऋषि कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे जो अपने स्पोर्ट्स टीचर यानी रॉनित रॉय पर डोरे डाला करते थे। अक्षय कुमार। साल 2016 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम की फिल्म डिशम में अक्षय ने गे का किरदार निभाया था। अक्षय को हमेशा एक्शन हीरो के रूप में पहचाना जाता है, ऐसे में पर्दे पर उनका गे बनना लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला किरदार था। फवाद खान। साल 2016 में ही रिलीज हुई आलिया सिद्धार्थ और फवाद खान की फिल्म में फवाद गे बने थे, हालांकि फिल्म के अंत में उनके गे होने का खुलासा किया गया था। मनोज वाजपेयी। साल 2016 में ही रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी ने एक गे प्रोफेसर का किरदार निभाया था। अलीगढ़ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की कहानी थी। रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम। करण जौहर की फिल्म बॉम्बे टॉकीज में साकिब सलीम और रणदीप हुड्डा गे कपल के रूप में नजर आए थे। ये फिल्म तो फ्लॉप रही थी, लेकिन दोनों एक्टर्स के बीच किसिंग सीन काफी चर्चा में रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।